प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने ऊपर के 5 श्लोकों का अभ्यास किया था। आगे 6ठे और 7वें श्लोक का अभ्यास कर लेते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति रचते नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनताहम। अर्थात मेरा जो स्वभाव है वो प्रकृति के साथ सबके साथ मित्रता वाला है, यानी सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना हमारी आदत है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, अर्थात इसका मतलब हमारी कमजोरी नहीं, सबके साथ मित्रवत रहना ये हमारा परंपरा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता है, परंतु ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, संपूर्ण संसार को हम मित्र की तरह देखते हैं। पश्यन्ति यानी देखते हैं, संपूर्ण संसार को हम मित्रवत देखते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। भारत जनता हम, क्योंकि मैं भारत की जनता हूँ। अंतिम श्लोक कह रहा है, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। अर्थात विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् यानी संपूर्ण संसार के अंदर, गताहमस्मि मैं जा चुका, संपूर्ण संसार के अंदर मैं जा चुका हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, संपूर्ण संसार का मैं दर्शन कर चुका हूँ, अर्थात देख चुका हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, संपूर्ण संसार में मैं कार्य करता हूँ, यानी संपूर्ण दुनिया के अंदर मैं कार्य करता हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, क्योंकि हम भारतीय जनता जो है ना वो कर्मशील जनता है, क्योंकि मैं भारतीय कर्मशील हूँ। अर्थात हम संपूर्ण भारत के दर्शन करते हैं, संपूर्ण दुनिया में हम घूमते हैं, संपूर्ण दुनिया को कार्य करके दिखाते हैं। तो ये श्लोक दो शेष बचे हुए थे, इन दोनों श्लोकों का आज हम लोगों ने अर्थ पढ़ा। कल इन दोनों श्लोकों के अर्थ के साथ साथ अभ्यास कार्य की वीडियो मैं भेज दूँगा, तो उस अभ्यास कार्य को आप फेयर कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।